हाय दोस्तों, मैं हूं दिलीप, आपके अपने चैनल बेस्ट एग्जाम पे आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज ये जो न्यूज़ आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी लोगों के लिए। जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं वे सभी जिस न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब होगा हम लोगों का फाइनल ईयर के एग्ज़ाम का डिसीजन। सो दोस्तों, आज वो दिन आ ही गया और हम लोगों ने जो इतने दिन से इंतज़ार कर रहे थे वो देखिए अब आज होने वाला है फैसला। तो क्या होगा फैसला, कैसा है श्रीवास्तव जी का अपना प्रिपरेशन, जो कि आप लोगों के सपोर्ट में ये केस सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उन्होंने क्या क्या फाइल की है, उन्होंने कैसी प्रिपरेशन की है, उन्होंने अपने ट्वीट में क्या बताया, और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक न्यूज़ से दिखाऊंगा न्यूज़ में क्या बताया गया है कि कल कैसे होगी सुनवाई। तो हर एक पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आगे के अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो। चलिए बढ़ते हैं बेस्ट एग्जाम के साथ। तो देखिए दोस्तों, आज का जो न्यूज़ मिला है वो मिला है जनसत्ता से, और इसमें बताया क्या जा रहा है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं। UGC पहले ही कह चुका है कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए क्या कहता है कि स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके परिणाम पिछले प्रदर्शन और अतिरिक्त मूल्यांकन के अंकों के आधार पर हो, क्योंकि स्कूल और कॉलेज कोचिंग संस्था सभी 31 अगस्त तक बंद है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल ही सही है कि स्कूल संस्था सभी बंद है, तो इसके कारण एग्ज़ाम देना पॉसिबल नहीं है। अगर देखें दोस्तों, तो यहाँ पर जनसत्ता जो है वो पूरी तरह से ये बताना चाहता है कि एग्ज़ाम लेने का कंडीशन नहीं बन रहा है, और इसमें हम लोगों का क्या है, बच्चों का बहुत ही नुकसान हो सकता है। तो अगर देखें यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देखिए आयोग ने कहा कि जो छात्र परीक्षा में भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे उन्हें परीक्षा के लिए और एक मौका दिया जाएगा जब महामारी की स्थिति नियंत्रण में होगी, तो उन्हें और मौका दिया जाएगा। अगर डिटेल में न्यूज़ को देखें तो कहते हैं क्या, UGC ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को 30 सितंबर तक फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराने के लिए कहा है। UGC ने एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के ऑप्शन दिए हैं। UGC द्वारा एग्ज़ाम कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कुछ याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिसमें मांग की गई है कि एग्ज़ाम कराए बिना ही स्टूडेंट को पास कर दिए जाए। आयोग ने कहा है कि छात्र परीक्षा में भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे तो उन्हें फिर से एक और मौका दिया जाएगा जब स्थिति सामान्य होगी। स्टूडेंट चाहते हैं कि उनके परिणाम पिछले प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर हों, क्योंकि स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर 21 अगस्त तक बंद रहेंगे, और IIT, NLUS और CBSE, ICAI ने भी अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी है। तो जितने भी कॉलेज हैं उन सभी ने यही डिमांड किया है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। UGC ने 25 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट को पहले ही सूचित कर दिया था कि महाराष्ट्र सरकार के पास नियमानुसार फाइनल ईयर की डिग्री परीक्षा रद्द करने की कोई पावर नहीं है, और यह अधिकार केवल UGC के पास है। जी हाँ दोस्तों, ये कहने का मतलब यही है कि जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के जितने हेड ऑफ काउंसलर्स होते हैं उनकी जो पावर होती है वो UGC के पास ही निहित है। जितने भी शक्ति है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे ये सब का जो पावर है वो UGC के पास है, लेकिन UGC अपना मनमाना नहीं कर सकता है। यहाँ पर जो कंडीशन हो गया है अभी कोविड का, बद से बदतर होते जा रहा है, तो इस कंडीशन में एग्ज़ाम देना किसी के पक्ष में संभव नहीं है। वहीं आगे की बात करें तो जो श्रीवास्तव जी हैं, जो कि स्टूडेंट सपोर्ट में ये सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों के लिए केस लड़ रहे हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जी जान लगा दिए हैं अपना मेहनत करके कि आप लोगों को इससे क्या मिले, जस्टिस मिले। तो गाइस प्रे करो कि हम लोगों को जस्टिस मिल जाए। और वहीं उन्होंने कहा कि वी आर प्रिपेयर टुमारो एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टे एग्जाम्स इज ऑल्सो लिस्टेड, होम मिनिस्टर MHA हैज़ नॉट फिल्ड इट एफिडेविट, IAM फुली prepared. We will request Supreme Court to grant relief to students considering their health, सेफ्टी, जॉब, एडमिशन अपॉर्चुनिटी। उनका कहना है कि मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को सपोर्ट मिले, उनके हेल्थ के ख्याल रखा जाए, उन्हें जॉब मिले, उन्हें एडमिशन के प्रोसेस से पूरी तरह से सुविधा मिले। और उन्होंने क्या क्या कहा है, उनका जो अंडरलाइन किया हुआ पार्ट था आप लोग देख सकते हैं, ये 2:22 में उन्होंने 9 अगस्त को ट्वीट किया था, और आप लोग देख सकते हैं इसको 2.1 लोगों ने रीट्वीट किया। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर पूरी तरह से डिटेल में बताया गया है कि कौन कौन सा केस है, किस तरह से एफिडेविट को सबमिट करने का बात बोला गया, एप्लीकेशन कब किया गया था, उन सबको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोग को एक और पार्ट दिखा रहे हैं जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। क्या मोस्ट है, क्योंकि ये बहुत ही वाइटल केस बन गया है अभी, और इसमें आप लोग पूरे डिटेल को देख सकते हैं कौन कौन सा पार्ट दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि श्रीवास्तव के अगेंस्ट में यूनियन ऑफ इंडिया है,
और यहाँ पे आप उनका सिग्नेचर देख सकते हैं जो जूनियर सेक्रेटरी हैं उनके साथ साथ दिया हुआ है। इस तरह से हम लोग पूरे न्यूज को समझ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने पूरे डिटेल को देख लिया कि हमारे श्रीवास्तव जी पूरी तरह से तैयार है और वो चाहते हैं कि जो भी हो स्टूडेंट के पक्ष में ही फैसला सुनाया जाए। और होप करते हैं दोस्तों कि आप लोगों के पक्ष में ही जो भी रिजल्ट आएगा आप लोग के पक्ष में आएगा, क्योंकि कोविड के केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं कि इस समय न ही कोई कॉलेज खुलने के कंडीशन में है और न ही कोई बाहर निकलने के कंडीशन में है। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग इस न्यूज़ को पूरी तरह समझ गए कि क्या कहना चाहते हैं, और हम लोग प्रे करेंगे कि जो इस रिजल्ट आए वो क्या हो, स्टूडेंट के सपोर्ट में हो। तो आप लोगों का क्या विचार है इस पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मे बी अगर अगली डेट मिलती है तो भी हम लोगों को तब तक इंतजार करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या होता है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसे ही रिजल्ट आता है, जैसे ही डिसीजन अलाउ किया जाता है, क्या डिसीजन लिया गया है सुप्रीम कोर्ट का, मैं आप लोगों को तुरंत अपडेट करूंगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए दिस इज दिलीप शाह साइनिंग ऑफ विद बेस्ट एग्जाम। स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।